दोस्तों आप जानते हैं रिसेंटली पूरे इंडिया अलियंस ने मिलकर मीडिया को बायकॉट करने का फैसला किया था। इस फैसले में उन्होंने एक लिस्ट भी जारी की जिसमें से 4 न्यूज़ चैनल्स और पूरे 14 टीवी एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला उन्होंने किया था। इसका रीज़न भी इंडिया अलियंस ने यह दिया था कि क्योंकि मीडिया आजकल सरकार के पक्ष में खबरें चलाती है, विपक्षी पार्टियों को विलन बनाती है और साथ ही साथ देश में नफरत भी फैलाने का काम करती है, तो वो इस नफरत के बाजार की हिस्सेदारी नहीं बनना चाहते, इसीलिए इंडिया अलियंस ने मीडिया को बायकॉट करने का फैसला किया। तो पहली लिस्ट तो उन्होंने जारी कर दी और दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, इस तरह से बताया जा रहा है। वैसे दूसरी तरफ मीडिया ने भी पलटवार किया। मीडिया का ये कहना है कि क्योंकि इंडिया अलियंस वाले, विपक्षी पार्टी वाले मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए वो लोग मीडिया को बायकॉट कर रहे हैं, ये कहना है मीडिया का। लेकिन ये जो रीज़न है ये बिल्कुल ही हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि मीडिया को सवाल तो करना चाहिए था सरकार से, उल्टा वो आज तक विपक्षी पार्टियों से सवाल कर रही थी, क्योंकि सारी सत्ता, सारे टैक्स के पैसे, सारा मैनेजमेंट तो सरकार के हाथ में होता है। डेफिनेटली यहाँ पर सरकार से सवाल होना चाहिए था, तो ये मीडिया खुद आज एक्सेप्ट कर रही है कि आज तक ये विपक्षी पार्टियों से सवाल किए जा रही थी, तो उनका रीज़न पूरी तरह से हास्यास्पद लग रहा है। वैसे इस इंडिया अलियंस के बायकॉट को जो गोदी मीडिया को उन्होंने किया है, इसका समर्थन जनता भी कर रही है और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी इसका समर्थन होते हुए देखा जा रहा है। मैडम देखिए, पत्रकारों का जो उन्होंने बायकॉट किया है क्योंकि वो धर्म की राजनीति करते हैं, हाँ। और नफरत के बाजार में, हाँ, मोहब्बत वाले ग्राहक बनकर हम नहीं जाएंगे, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के चरण चंबुकों के यहाँ, हाँ, इंडिया एयरलाइंस का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा, हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ पे पहुँच जाए, हाँ। मोदी जी आ गए, बड़े भाग्य हमारे, मोदी जी हमारे यहाँ पधारे, ऐसे करते हैं चरण चंबुक। और अगर विपक्षी कोई नेता चला जाए तो वहाँ पे पत्रकार निष्पक्ष होता है। आप निष्पक्ष हो, अब निष्पक्ष हो सुधीर चौधरी निष्पक्ष है, व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा दिखाता है। राष्ट्र, अब वो राष्ट्र का हमें बताएंगे कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता, राष्ट्रवादी कौन है, आप लोग हमें बताओगे, हाँ। एक चीज बताइए कि जो चित्रा त्रिपाठी हैं, हाँ। अमन चोपड़ा हैं, हाँ। है, सुधांशु सिन्हा हैं, ये सब निष्पक्ष पत्रकार हैं। अगर ये निष्पक्ष होते, वरिष्ठ नहीं, मैडम ये लोग सीनियर नहीं, जूनियर से भी जूनियर है। अगर ये पत्रकार होते तो हमेशा सत्ता पक्ष से सवाल होता है। ये कहते हैं कि विपक्ष हमारे सवालों से डर गया है। अब एक चीज बताइए कि डरते तो मोदी जी हैं, और सवाल मोदी जी से पूछा जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है क्या? बताइए, प्रधानमंत्री नहीं है ना, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, एक सांसद है, और वो भी इन लोगों की दलाली की वजह से सवालों से भागते हैं। प्रधानमंत्री जी जब सवालों से भागते हैं तब आप लोग, महंगाई पर सवाल प्रधानमंत्री से आप लोगों ने कभी पूछा है? सुनिए, यही फिर बोलने नहीं दोगे, आपको अगर बोलना तो आप ही बोल लोगे। यही वहाँ पे भी होता है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और पक्ष वालों को 2-2 घंटा बोलने दिया जाता है। ये बेमानी है मैडम, जब तक बेमानी होती रहेगी तब तक इन लोगों का बायकॉट होता रहेगा। अभी तो 14 है। सुभाष चंद्र का कर्जा कितना माफ हुआ, आप इस पे बात करो ना। बैंक का है, अच्छा वो दोस्त किसका है? सुभाष चंद्र, हाँ, राज्यसभा का सांसद भी तो है साहब, हाँ, तो प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री से जिनके संबंध है, हाँ, उनके करोड़ों का कर्जा माफ हो जाएगा, हाँ, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, हाँ, उसका 5 रुपए का कर्जा माफ नहीं होगा, हाँ, बताइए बेमानी है या नहीं? पत्रकारों का बायकॉट करना किस हद तक ठीक है? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ मैडम, 2015-16 में अभिषेक शर्मा का बायकॉट किया गया, रवि कुमार का बाइकआउट किया, हाँ। अजीत अंजुम का किया गया, हाँ। पुनप्रसून वाजपेयी का किया गया, हाँ। अब बताइए उनका किया गया तब आप लोगों ने नहीं बोला कि हाँ इनका बाइकआउट क्यों हो रहा है, हाँ। आज जब नफरत के बाजार में कोई नहीं जा रहा है तब आपको दिक्कत हो रही है। पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, नहीं खोलना है, वैसे जी कह रहे हैं। अच्छा मोहब्बत की दुकान कौन सी? भारतीय जनता पार्टी वाले तो मोहब्बत की दुकान खोल नहीं सकते, सही कह रहे हैं वैसे जी, वो नफरत की दुकान खोलते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा हिंदू ब्राह्मण और शूद्र को लड़ाना, कभी किसी को लड़ाना, इनका मैडम काम है लड़ाना, वास्तविक मुद्दों पत्रकारों की गलती है। अमन चोपड़ा का सो नहीं देखती हूँ मैडम, कुर्सी उठी थी नहीं उठी थी, उठी थी ना, माँ बहन की गाली हो जाती है इनके डिबेट में, कोई नहीं बोल, जो मालिक है वो कहेंगे ना कि हमें क्या दिखाना, एंकर की क्या गलती, एंकर अपना घर चला रहा, जो एंकर है वो मालिक के इशारों पर चलता है और मालिक अडानी जी के इशारों पर चलता है, और अडानी जी का सबसे प्रिय मित्र कोई है तो मोदी जी है। अगर आपको मैडम विश्वास नहीं तो गूगल पे सर्च कर, ये फंस गया सी है उनको लिख के मोदी जी देते हैं, मोदी जी नहीं, कौन देता है फिर? जो डेस्क पे होते हैं, जो कैमरे के पीछे होते हैं वो लिख के देते, कैमरे के पीछे मोदी का ही आदमी होता है, कैमरे के आगे मोदी का आदमी, कैसे कह सकते हैं आप हर जगह मोदी, हर जगह मैडम, यहाँ पे अगर सांस ले रही हो ना तो वो भी मोदी की वजह से, नहीं तो मोदी जी सांस पे भी हर चीज पे कब्जा कर लिया मैडम, इन्होंने हवा से लेकर और पानी, मतलब हर चीज पे इन्होंने कब्जा कर लिया है।
हर एक चीज पे इनका कब्जा है। आप भी तो यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं आजादी है, आजादी है, आजादी है। मैडम आप आजादी का आपने नाम लिया, एक चीज बताएं कि आजादी अगर प्रधानमंत्री जी और इनकी प्रशासन अगर आजादी शब्द का नाम लेती तो बहुत ही घटिया शब्द ले रही है। पूछो कहे अगर मुझे सुनिए, अगर आजादी होती हमने सत्ता पक्ष से सवाल कर लिया और भारतीय जनता पार्टी ने तथाकथित रूप से बिना FIR के हमको उठा लिया, अब बताइए बेमानी है नहीं बेमानी? आजादी तो है ना, आजादी कौन सी आजादी है बोलने की? आजादी यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हैं ना, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे? प्रधानमंत्री से अगर मैडम मैं पत्रकार होता, आप लोग तो दलाल पत्रकार हो, अगर मैं पत्रकार होता तो पूछता मोदी जी आप बताइए, पूछता है ना, पूछता है भारत थूक रहा है उन पे भारत, अगर उनको होता है। सुनिए मैडम, राष्ट्रवादी नहीं आतंकवादी है जो हमेशा लड़ाने का काम करे, एक तरफ मौलाना को बैठा देता है, एक तरफ पंडित को बैठा देता है, दोनों मुर्गों को लड़ा देता है। ले धोधड़ दोनों लड़ाई। राष्ट्र सर्वप्रिय, अच्छा राष्ट्र सर्वप्रिय है तो राष्ट्र की एक एक संपत्ति को बेचा जा रहा है, राष्ट्र पे उन्होंने सवाल किया? महिला, सुनिए मैडम जी हाँ। आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ। महिला अगर सवाल पूछ लेती है, हाँ। तो उसके ऊपर FIR कर दिया जाता है। क्या महिलाओं पर सवाल पूछते हैं लोग? हाँ। संविधान को जिस दिन छूने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के दंगाइयों ने और बलात्कारियों ने की ना, हाँ। उस दिन को मुंह तोड़ के जवाब मिलेगा, हाँ। और अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, हाँ। और बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश की तो तुम्हारी अर्थी से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। क्या लग रहा है पत्रकारों को बाइकॉट करके इंडिया एयरलाइंस की जीत जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नफरत नहीं रहेगी, जब देश में नफरत नहीं रहेगी तो मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी, जहाँ मोहब्बत रहेगी वहाँ इंडिया एयरलाइन की। बात तो रख सकते थे ना, आप तो बाइकॉट कर दिए तो भाई, एक चीज बताएं, जो मीडिया है मीडिया अड्डा हो गई। मैडम आप जुआ के अड्डा पे जाओगे? नहीं जाओगे। शराब के अड्डा पे जाओगे? नहीं जाओगे। तमाम के अड्डे पे जाओगे? नहीं जाओगे। पत्रकारों के अड्डे पे जाओगे? नहीं जाओगे। तो मोहब्बत की दुकान वाले इन सभी अड्डों पर नहीं जाते हैं, वो देश के संविधान को मानते हैं और उनके लिए ये ऐसे चाटुकार और दलाल पत्रकार की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरी मर्यादा है, पत्रकारों का बाइकॉट करें, अब किया है, पहले नहीं नजर आया ये चीज? मैडम देखिए कि पहले नहीं आया, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पहले जो इनकी नफरत इनका बहुत घड़ा भर जाता है, हाँ। तब घड़ा फूट जाता है, हाँ। तब इनके पाप का घड़ा भर गया था, हाँ। इनके घड़े को इंडिया एयरलाइंस ने तोड़ दिया है, हाँ। अब इनका बाइकॉट इसीलिए किया गया है। अभी अभी दूसरी लिस्ट निकलेगी साहब, अभी तो मापी है, मुट्ठी भर जमी हमने, हाँ। आगे पूरा आसमान बाकी है। अभी मैडम जितने भी पत्रकार अभी बचे हैं ना दूसरी में, कम से कम 5 लिस्ट लोग निकालें, 5 और एक एक का बाइकॉट करें। अगर सबका बाइकॉट कर देंगे तो दिखाई कहाँ जाएंगे? सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया जो आज दिखा रहा है हकीकत को, जो उजागर कर रहा है उसको दिखाओ ना, उस पर बात करो, कोई जरूरत नहीं। मीडिया पे पाबंदी लगी थी ना फेक न्यूज, तो फेक न्यूज को दिखाओ मैडम, फेक न्यूज की जरूरत ही नहीं है। महंगाई है या फेक लग रहा है आपको? बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी है या नहीं है? तो रोजगार भी तो दे। अच्छा एक चीज बताइए, सुधीर चौधरी आपने महंगाई पर पिछली बार डिबेट कब किया था? हाँ। अंजना राम कश्यप दीदी आप बताओ कि महंगाई पर आपने पिछली बार डिबेट किया था? अमन चोपड़ा बताया कि महिला सशक्तिकरण पर पत्रकारों के नाम ले रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, चुनाव के टाइम पे देखा, जमीन पे कहां जुड़े हैं मैडम? देखा जमीन पे कहां जुड़े हैं? क्या देख रहे हैं तो आप धरती में देखेंगे ना, पूरे जमीन पे जुड़े हैं। जो जमीन से जुड़ा होता है मैडम, सुनिए, गांव-गांव जाते हैं, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, कुछ लोग तो जूता चप्पल लेके खेद लेते हैं, हाँ। और 24 में अगर जाएंगे, हाँ। तो लतिया ही जाएंगे। कहना क्या चाह रहे हैं मैडम? यही कि ये लोग नफरत बांट चुके हैं, देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। लेकिन आप विरोध करते करते बाइकॉट करते करते FIR भी दर्ज करेंगे आप? एक चीज बताइए, वहाँ पे कर्नाटक में इनका FIR हुआ सुधीर चौधरी के ऊपर, वहाँ पे इन्होंने क्या होता है कि एक विशेष वर्ग को ही टारगेट करना, और सुधीर चौधरी की तो पैदा ऐसी आदत है, एक ही आदमी को विशेष। लेकिन जिन पत्रकार को बाइकॉट किया गया उसमें कई पत्रकार ऐसे हैं जो पहले जेल जा चुके हैं, हाँ, 4-5 जने हैं तो फिर जाएंगे, सरकार बदलेगी, आज इनकी दवा लिख लो साहब, सरकारें आएंगे, सरकारें जाएंगे, बीजेपी मुक्त अगर 24 में भारत में हो जाए तो मैडम जी कहना, बीजेपी मुक्त भारत को हम बना के ही छोड़ेंगे, हाँ। और मोदी जी ने मेरा पेपर छुड़वा दिया, इनका संसद आना जाना छुड़वा दिया, मोदी जी में क्या गलती? मोदी जी पे आप FIR कराएंगे बिना बेफर्जी FIR कराएंगे? मोदी जी ने थोड़ी ना कराई, अच्छा एक चीज बताइए कि 7 साल से कम का जो सजा होता है उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, और इनकी पुलिस गिरफ्तार कर ली योगी बाबा की, तो बताइए मोदी योगी कहते नहीं है डबल इंजन की सरकार? दो मोदी जी की गलती, 5 किलो अनाज दे रहे हैं आपको, 5 किलो राशन नहीं चाहिए मैडम, चूहा अपने जाल में क्यों फंस के मरता है? हाँ। क्योंकि उसे अंदर मुफ्त की रोटी मिलती है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को क्यों मार रही है? क्योंकि मुफ्त का राशन दे रही है। सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, सुनिए, हाँ। सुनिए भूखा, और इसलिए शिक्षा से इसलिए वंचित किया जा रहा है, अगर मोदी जी शिक्षा दे देंगे तो हम अपना रोजगार भी ले लेंगे और राशन भी ले लेंगे। भूखा नहीं सोने दे रहे गरीबों को। भैया अडवाणी जी को क्यों नहीं खिला रहे हैं? अडवाणी जी क्यों भूखे हो जाते हैं? आपके पास खाने को तो आप गरीबों को नहीं देख रहे हैं, नहीं। जो भूखे सोते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि ये विश्व गुरु बन गया है, यहाँ पे भूखमरी नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी? 5 किलो अनाज दे रहे हैं, भूखा कोई सो ही नहीं रहा है ना। अच्छा भूखमरी, मैडम आप आंकड़ा उठा के देख लो, आप सर्च कर लीजिए कि भूखमरी है कि नहीं है, देखिए अनाज से दे रहे ना, अनाज से मैडम काम नहीं होता है, रोजगार से काम होता है। कहाँ रोजगार दे रहे? अभी 70,000 रोजगार दिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल कहाँ गया? तो रोजगार तो दे रहे ना, 2 करोड़ रोजगार, तो अच्छा है मिल तो रहा है मैडम, 2 करोड़ रोजगार हर साल इन्होंने वादा किया था, इन निकम्मा पन है देश का, ऐसा कलंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ है, हाँ। कि देश की जनता इन पर थू थू कर रही है। बाबा रामदेव कह रहे हैं राष्ट्र ऋषि है, राष्ट्र ऋषि कौन होता आपको पता है? आप बताएं, महर्षि, हाँ।
राष्ट्र ऋषि हो गए बाबा रामदेव कह रहे हैं। रामदेव तो कह रहे थे कि साइकिल से चलो, साइकिल में पेट्रोल वाली तो भी बात कर रहे थे, साइकिल से चले हाँ, कि आप सोच रहे हैं। तो बताइए कि मोदी जी एरोप्लेन से कैसे चलते हैं 8,500 करोड़, मर्सिडीज से क्यों चलते हैं? नहीं प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र ऋषि है तो उनको तो योग करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। अब आप चप्पल से चलते हैं थोड़ी ना कि मोदी जी भी बिल्कुल, उनका तो मैडम उन्होंने तो वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पे बैठेंगे। मैडम ऊपर देखा हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा हवाई चप्पल नहीं, गरीबों की दुर्दशा है। मैडम हवाई जहाज ऊपर नहीं है ना, नीचे देखते तो हवाई चप्पल भी टूट गया। देखो चप्पल दिखा रहे हैं अपनी टूट। तो वही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सरकार में यहाँ पे इतना लोग परेशान हैं। डबल इंजन की सरकार, दो लोगों का व्यापार, एक खरीदेगा एक बेचेगा। क्या बोला तूने? डबल इंजन की सरकार, दो लोगों का व्यापार, एक खरीदेगा एक बेचेगा। 2024 में मोदी नहीं तो कौन है? मोदी नहीं तो कौन? विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। बहुत ही महंगाई की मार नहीं चाहिए भारत सरकार। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।